हेलो दोस्तों वेलकम टू एग्जामपुर हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं पोलकेत एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार अदाब और श्रीकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं आप सब तो रेलवे की रीजनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है वाह क्या बात है बहुत अच्छे आप सभी आ चुके हैं है ना तो रेलवे की रीजनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेलवे की रीजनिंग इस क्लास का जैसा कि आप जानते हैं एक प्यारा सा नाम है कि रेलवे की रीजनिंग है ना तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा और जो साथी आज एग्जामपुर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हो वो अपने परिवार एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक कर देंगे साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा आपकी सारी पी जो भी अपलोड हो रही हैं वो यूट्यूब पर मतलब यूट्यूब की पी एप्लीकेशन एग्जाम्पुर ऑफिशियल पर अपलोड हो रही है वहां पर YouTube फ्री पी करके एक फोल्डर आता है उसके अंदर आपको वो सारी पी मिलेंगी साथ ही साथ उसमें भी तुम्हें जाना होगा एन रैंकिंग क्रैश कोर्स के अंदर वहां मिलेंगी ठीक है तो बिल्कुल आप सभी लोग एक बार आ जाइए बिल्कुल तो सभी लोग आ चुके हैं शेयर कर दिया अरे किस किसने नहीं किया बताओ एक बार निकम्मो किस किसने शेयर नहीं किया है ठीक है तो जिसने शेयर कर दिया उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है ना उनका बहुत जल्दी से क्या बोलते हैं उनको दुआएं मिले और जिन्होंने नहीं किया उनको पाप लगेगा तो जल्दी से शेयर करके आओ ठीक है अब जो व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलाता उनकी बात अलग है जो यूज करते हैं वो तो शेयर कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई की चीज शेयर नहीं करते हो फालतू की चीजें बहुत शेयर करते हो अभी आशिकी का एक मैसेज कर दे कोई तो वाह 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 निकल जाएगी तुम्हारे से सुधर जाओ निकम्मो चलिए तो आज का मॉक टेस्ट क्या है आज का मॉक टेस्ट नंबर ट्वेंटी वन है आज जो है हमारा मॉक टेस्ट नंबर ट्वेंटी वन है मॉक टेस्ट नंबर ट्वेंटी वन तो वन मॉक टेस्ट आज हमें क्लियर करना है कवर करना है अगेन वही 20 क्वेश्चंस होंगे है ना और आज एक दो दो पजल्स भी हैं इसके अंदर तो आप सभी को करना है वह नाम बड़ा अच्छा लग रहा है भाई मलिका ए आजम क्या बात है पीहू कौशिक जी बहुत अच्छे आदिल उस्मानी जी शेयर करके आए हो क्या बात बहुत बढ़िया तुमने तो दिल जीत लिया रे बहुत बढ़िया क्या बात है सभी गुरुओं का चेहरा दिलीप राठी क्या बात राठी साहब बढ़िया शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु चलिए तो शुरू करें क्लास को है ना विवेक पवार मेरी कमेंट ब्लॉक हो रही है बच्चे एक ही कमेंट बार बार करोगे ना तो ब्लॉक हो जाते हैं अपने आप ही इसमें अपन कुछ नहीं करते हैं चलिए तो 500 का टारगेट होता है शुरू हो चुका है 500 आ चुके हैं तो क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ये रहा साथ ही साथ आंसर करेंगे पहले प्रश्न का जल्दी से सभी साथी पहले प्रश्न का जल्दी से आंसर करेंगे बिल्कुल फटाफट से कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बात बहुत बढ़िया है ना और देखिए आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी के आए हुए सभी प्रश्नों को कराऊंगा आपके आठ बजे वाली क्लास में जो भी सिलॉजिज्म चैप्टर नामक सर ये कट रहा है सिलॉजिज्म नामक जो चैप्टर है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे जितने भी क्या आए थे आपके क्वेश्चन आए थे उन सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगा सिलॉक्स के जो भी प्रश्न आपके किस में आए थे आर, आर ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी में तब आरआरबी हुआ करता था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आए थे वो सभी प्रश्न मैं रात आठ बजे वाली क्लास में कराऊंगा कौन सी रात आठ बजे वाली क्लास में तो उस क्लास को देखना कतई ना भूलें है ना क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है एच एम पी यू एच एम पी यू इसको कैसे लिखा जाए इसको लिखा जाए आई ओ एस वाई तो देखो आठ से नौ एक जोड़ा तेरह से पंद्रह दो जोड़े सोलह से उन्नीस तीन जोड़े इक्कीस से पच्चीस चार जोड़े लिखा किसका है जी एम आर एफ जी एम आर एफ एक जोड़ा सात आठ आठ पे एच तेरह दो जोड़े पंद्रह पंद्रह पे ओ अठारह अट्ठारह में तीन जोड़े इक्कीस इक्कीस पे यू एफ चार जोड़े जे तो एच ओ यू जे एच ओ यू जे दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आंसर कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर है ऑल क्लियर सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर दो तो प्रश्न नंबर दो ये रहा आपके स्क्रीन पर देखना ध्यान से करना आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या होगा इसका आंसर यार यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं ये तो मुझे नहीं पता ये तो देखना पड़ेगा यार इसका आइडिया मुझे एक्चुअल में अभी है नहीं है ना तो मैं आपको देख करके बताऊंगा तो इसका आंसर करिए फटाफट से चलिए बहुत अच्छे सेवन आंसर आ रहा है देखें तो वो सेवन कह रहा हूँ सी आंसर आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत का बी भी आ रहा है जैसे लिखा है डब्लू इंटू जे अरे इसको कह रहा है पाँच गुड़ा एक है ना अब एक बात बताइए डब्लू होता है तेईस पे अगर मैं दो और तीन को जोड़ दूँ तो बनेगा कितना पाँच गुड़ा ये होता है दस पे और मैं इसको जोड़ दूँ तो तो एक प्लस तो बनेगा कितना एक तो यानी कि पाँच गुड़ा उसी प्रकार एम इंटू वी एम इंटू वी एम कितने पे होता है तेरह पर तो तीन प्लस एक गुणा दो प्लस दो तो ये हो जाएगा तीन और एक चार और ये भी गुणा चार तो चार गुणा चार दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया अब आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड तो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर तीन आपके स्क्रीन पर है देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट से देखेंगे सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का चलिए कर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक है जल्दबाजी नहीं मतलब जल्दी द साइंस होता है बिल्कुल संयम से आंसर हो आंसर सही होना चाहिए ऐसा ना हो कि आंसर गलत हो जाए है ना जल्दी भी हो और सही भी हो ऐसा कुछ करो ठीक है कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए ठीक है चलिए करिए चलिए बहुत बढ़िया ठीक है घनश्याम यादव जी पीयूष भाई बढ़िया गुड्डन मैं बता रहा हूँ ना मुझे अभी पता नहीं यार डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कैसे अपलोड होंगे तो यार बच्चे आपको एक बार एक साइबर कैफ़े पे चले जाओ यार किसी यार है ना क्योंकि अब मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देऊँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है ना तो प्लीज़ आप ना साइबर कैफ़े चले जाइए अभी क्योंकि आप कह रहे हैं आपका कल डी है तो चले जाइए भाई ठीक है गुड्डन जी कह रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज ये कह रहा है कैरी सी ए डबल आर वाई कैरी कोट कैरी कोट को कैसे लिखा जाए इज रेडेन एज ई वाई ई वाई टी पी ए ए क्यू आर है ना तो देखो ना यह हो रहा प्लस टू ये कितना हो रहा है यह हो रहा है प्लस टू यहां बात करूं तो माइनस टू कितना माइनस टू ठीक है ये फिर प्लस टू ये फिर माइनस टू ये फिर प्लस टू ये फिर माइनस टू ये फिर प्लस टू और ये फिर माइनस टू ठीक है आपसे पूछा किसका है आपसे पूछा है कैलेमिटी का आपसे पूछा किसका है आपसे पूछा है कैलेमिटी सी ए एल ए एम आई टी वाई तो पहले प्लस टू करिए तो तीनों दो पांच पे फिर ई बना माइनस टू करिए तो वाई बना बारह और दो चौदह पे एन बना तो प्लस टू माइनस टू प्लस टू फिर माइनस टू फिर प्लस टू फिर माइनस टू फिर प्लस टू फिर माइनस टू ठीक है तो आप ए में से दो गए फिर वाई बना तेरह और दो पंद्रह पंद्रह पे ओ बना नौ में से दो गए सात सात पे जी बना बीस और दो बाईस बाईस पे वी बना और चौबीस पच्चीस तेईस तेईस पे डब्लू बना तो आंसर आपका हो गया ई वाई एन वाई ओ जी वी डब्लू दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर चार दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर फोर अब ये इनक्वालिटी का एक क्वेश्चन है आसानी से हो जाएगा पर जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा ठीक है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लेकिन सही से करिएगा ठीक है ना चलिए कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में तो आपसे बोल रहा है नीचे दी गई असमानता है निम्न में से कौन सी एक स्थिति सही है गिवन बिलो इज एन इनिक्वालिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू आपको बताना है कौन सी कंडीशन सही है ठीक है करिए आंसर मुझे भी प्ला चलिए देखिए तो कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू देखिए क्या जी सी से बड़ा होगा तो जी जो है वो सी से बड़ा नहीं होगा तो पहला वाला तो गलत हो गया क्या बी इज ग्रेटर देन एफ होगा हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि बी से एफ तक जाते हुए मुझे जो सिंबल्स मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं अब इसकी महत्वताएं बढ़ती जाती हैं तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आया भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर आया है बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अगला प्रश्न प्रश्न नंबर पांच ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये ये क्वेश्चन आपका आर आर बी जेही में आया था हंसी आएगी ना ये क्वेश्चन आर आरबी में आया था यार अब बताओ हंसोगे या नहीं हंसोगे करा भी चुका हूँ जब मैंने आरआरबी आर जेई के सेट कराए थे है ना आजकल कुछ क्वेश्चन आरआरबी आर जेई के मैं इसमें से मिक्स कर लेता हूँ जैसे तो देखिए करिए इसका आंसर कृष्णा सक्सेना जी संध्या त्रिपाठी जी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा चुका हूँ मैं आप बहुत लेट हो लग रहा है अब तो मुझे कुछ कुछ नए क्वेश्चन अपने आप से बनाने पड़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं सारे करा चुका आर आर विजयी करा दिया ग्रुप डी रात आठ बजे करा रहा हूँ एन टी पी सी करा चुका अब और बचा क्या है कुछ भी तो नहीं बचा क्या चाहते हो क्या करूँ जान वहन देनी हो तो बता देना बस ठीक है अब देखिए हाउ मेनी हाउ मेनी औट डेज आर देयर इन द सेवेंटी वन डेज अब भाई सिंपल सी बात है इकहत्तर दिन में ऑट डेज पूछ रहा है इकहत्तर भाग्य सात तो दस दर बचा कितना दचा कितना एक यह होता है ऑड डेज आंसर हो जाता है इसका ए ठीक है बिल्कुल अगला प्रश्न देखें प्रश्न नंबर प्रश्न प्रश्न नंबर 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 तो क्वेश्चन छबर करिए. इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग जल्दी से फटाफट फट्ट से ठीक है तो एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश मैं लगा देता हूँ मान लीजिए इधर मैंने इंग्लिश लगा दी आपकी ठीक है और ये आ गई आपकी हिंदी और हिंदी भी पढ़िएगा इंग्लिश भी पढ़िएगा और पढ़ करके उत्तर दीजिएगा चलिए करिए आंसर बिल्कुल बिल्कुल चलिए कर दीजिए ठीक है विपिन देव चौधरी साहब बहुत बढ़िया पाकिस्तान पुलिस के पेपर बचे हैं कराने के लिए चलो वो भी करा दूंगा और बताओ तुम तुम ना मानोगे तुम ना सुधरोगे तुम है है उठा के ले जाएंगे भाई साहब हाँ बिल्कुल पीयूष, जो आरअी जे के पेपर थे उसमें तो धुआं धुआं कर दिया था करिए भाई इसका आंसर तो आंसर आ रहे हैं आप सभी मित्रों के देखते हैं तो कह रहा है कि सभी लग्जरी होटल में एक अच्छी तरह एक अच्छी तरह से बनाए रखा स्विमिंग पूल है लोग होटलों द्वारा प्रदान की गई जाने वाली सुविधाओं से आकर्षित होते हैं है ना ऑल लग्जरी होटल्स हैव अ वेल मेंटेन स्विमिंग पूल पीपल टैन टू गेट अट्रैक्टेड टू दी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द होटल्स अब स्टेटमेंट तो सौ प्रतिशत सही होता है केतन सर ठीक है देखिये तो क्या कह रहा है अकोमोडेशन इन लग्जरीज होटल्स आर वेरी लिमिटेड एंड रिजर्वे ऐसा थोड़ी होता है लग्जरी होटल में आवाज़ बहुत सीमित और सुरक्षित आ, आरक्षित है ऐसा थोड़ी होता है बहुत अरे यार देखो एक बात बताओ है ना ये तो मतलब वेरी लिमिटेड वाली जो बात आ गई तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि लग्जरीज होटल्स में है ना लिमिटेड चीज़ें एक में है दूसरे में चले जाओ अब आज के टाइम में लग्जरी होटल्स की कमी नहीं है ठीक है हर होटल अपने आप में एक लग्जरी होटल ही कहलाता है फिर क्या कह रहा है सोफेस्टिकेटेड फैसिलिटीज़ आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर लग्जरी होटल्स ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि लग्जरी होटलों में होटलों के परिश परिकृष्ट सुविधाएं महत्वपूर्ण तत्व हैं बिल्कुल सही बात है ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं चलिए तो प्रश्न नंबर सात आपकी स्क्रीन पर आ गया है तैयब भाई की बात चल रही है ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा सा लग रहा है मुझे यार चलो बनाते हैं भाई बनाना भी तो जरूरी है बिना बनाए तो कुछ होगा नहीं है ना तो कर दीजिए भाई बनाइए तैयब भाई को के और तैयब भाई कहाँ कहाँ घूमने गए हैं इनको घुमाइए है और इन्हें इनकी जगह पर पहुंचाइए चलिए करिए बिल्कुल फटाफट फड़। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चलिए करिए लग्जरी होटल क्या होता है लग्जरी uh, होटल मतलब बहुत आलिशान से होटल जो होते हैं है ना जिनमें बहुत सारे चमक धमक दिखाई देती है होटल बड़ा आलिशान सा लगता है गद्दे वद्दे काफ़ी अच्छे से होते हैं वो तो सब लग्जरी होटल होते हैं है ना तो अब कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हाँ रुद्रा दीक्षित मेरी तरफ से भी हेलो आपको है ना पर भाई साहब पढ़ लो ठीक है पढ़ लो पढ़ पढ़ाई लिखाई काम आएगी अब इसमें तुक्का मारा है बादल कुमार ने बहुत जल्दी से पांच पता नहीं सही है या नहीं इतनी जल्दी बहुत जल्दी से आंसर किया है अपने यार अब या तो बिल्कुल सही होगा या गलत होगा <laughs> चलिए आज आप भी आ गए कहा, कहा से भटकते हुए बहुत बढ़िया अरे कभी तो जल्दी आया करो बच्चे सब लेट ही आते हो देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि अपने घर से तैयब तीन किलोमीटर उत्तर में रेलवे स्टेशन जाता है तीन किलोमीटर कहाँ जाता है रेलवे स्टेशन फिर वह अपने दाई मुड़ता है और फिल्म थिएटर तक पहुँचने के लिए छे किलोमीटर चलता है फिर वह एक झील तक पहुंचने के लिए आठ किलोमीटर दक्षिण में जाता है आठ किलोमीटर कहाँ जाता है दक्षिण में जाता है आठ किलोमीटर दक्षिण में जाता है वहां से वह बाय मुड़ता है और अस्पताल तक पहुँचने के लिए दो किलोमीटर जाता है और अस्पताल तक पहुँचने के लिए दो किलोमीटर जाता है अंत में वह बाय मुड़ता है और अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए पाँच किलोमीटर जाता है मतलब अब वो कहाँ आ गया अब वो यहाँ आ गया है वो कहाँ आ गया मतलब वो यहाँ आ गया इसके सामने ठीक है पाँच मतलब इसके सामने आ गया ठीक है पूछा क्या है रेलवे स्टेशन और झील के बीच की सबसे छोटी दूरी तो बच्चे रेलवे स्टेशन और झील है ना तीन किलोमीटर रेलवे स्टेशन जाता है तैयब फ्रॉम हिज होम ये तो इसका घर था ये क्या था इसका घर ये तो होम था है ना ध्यान से करना ये क्या था ये तो इसका होम था ठीक है उसने कहा तैयब तीन किलोमीटर उत्तर में रेलवे स्टेशन जाता है तो ये जो था ये रेलवे स्टेशन था ठीक है ये जो था रेलवे स्टेशन था फिर दाहिने मुड़ता है और एक फिल्म थिएटर पहुंचने के लिए छः मीटर जाता है फिर वह झील तक पहुंचने के लिए आठ किलोमीटर दक्षिण जाता है अब ये जो थी ना ये झील थी ये क्या थी ये झील थी रेलवे स्टेशन और झील की दूरी पूछी थी अगर ये आठ हो गया ये छः हो गया तो ये ऑब्वियस दस हो गया क्योंकि आठ का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर यही तो हो गया था पी बी सॉरी एच तो एच बराबर इतना इतना तो एच बराबर हो गया चौसठ प्लस छत्तीस दैट मीन्स अंडर रूट सौ, रूट सौ यानी कि दस दस मीटर दस किलोमीटर तो आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी ठीक है आंसर कितना हो गया भाई ऑप्शन नंबर डी हो गया सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर आठ और ये आ गया प्रश्न नंबर आठ आपके स्क्रीन पर चलिए करिए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर जल्दी से ठीक है क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर आ गया है देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है इसको देखेंगे सभी लोग जल्दी से इसको भी देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर एट में क्या कहा गया है तो क्वेश्चन नंबर एट में करिए जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या हो रहा है भाई जितना लंबा सवाल होता है इतना आसान भी होता है, है ना आसान भी तो होगा ना ये भी तो देखो यार तो भाई बादल ने पांच सबसे पहले तुक्का दिया था और वो उसने गलत मारा था भाई यानी कि तुक्का ही मारा था मैं तो सोच रहा था शायद सॉल्व किया हो कह रहा पी की माँ आर की बहन है तो जो बेचारा पी है इस व्यक्ति की जो माँ है वो क्या है वो आर की क्या है बहन है ठीक है फिर क्या कह रहा है बहन है जो क्योंकि बेटी है तो यानी कि आर जो है वो क्या हो रही है वो क्यू की बेटी भी हो रही है फिर कह रहा है आर के ब्रदर इन लॉ का केवल एक बेटा है तो आर के ब्रदर इन लॉ मतलब आर की जो बहन है उसके पति का क्या है केवल एक बेटा है तो यानी कि ये जो है पी एस का बेटा हो गया आर की बहन के पति का आर के ब्रदर इन लॉ मतलब आर की जो बहन है उसके पति का जो है ये एक बेटा है है ना जिसके दादा दादी क्यू और एस यहाँ पर जो है ना ये दादा दादी गलत है भाई ये दादा दादी गलत है क्यों गलत है यही इंग्लिश में क्या लिखा गया है इसको पढ़ेंगे एक बार यहाँ दादा दादी नहीं आएगा यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है हुज ग्रैंड्स पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी तथा नाना नानी दोनों होते हैं ठीक है तो यहाँ पर होना चाहिए था ग्रैंड पेरेंट ही लिख देता हूं मैं ठीक है ग्रैंड पेरेंट्स इसमें दोनों हो जाते हैं भाई चाहे दादा दादी हो या नाना नानी हो ठीक है इसमें दोनों लोग आ जाते हैं दादा दादी भी और नाना नानी भी तो अब देखिए अब क्या कह रहा है कि आर के ब्रदर इन लॉ का केवल एक बेटा है जिसके ग्रैंड पेरेंट क्यू और एस देख अभी एक क्यू हो गया और एक क्या हो गया एस हो गया कि केवल दो बेटियां हैं क्यू और एस की क्या है दो बेटियां हैं तो एक आर हो गई और एक ये वाली हो गई ठीक है एक का पति बी एक का पति बी तो ए का पति बी क्यू का क्या है दमाद है तो क्यों का दमाद बी हो गया क्या हो गया ए का पति बी क्यों का दमाद भी हो गया ये पजल कुछ इस प्रकार से बनती है ये पजल क्या है कुछ इस प्रकार से बन के निकल के आती है क्वेश्चन पूछा है आर की बहन कौन है तो आर की बहन ए है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या आंसर हो रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिए थे है ना तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन और आप सब याद रखिएगा आपकी जो ऐप पे क्या बोलते हैं कोर्स चल रहे हैं ठीक है तो आप उनको परचेज कर सकते हैं आपको कोई भी पी डाउनलोड करनी है तो आप ऐप डाउनलोड करिए आपको सारी डिटेल्स जो भी चीज़ें हैं वो ऐप पर मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी वो आपको ऐप पर मिलेंगी ठीक है वो आपको कहाँ मिलेंगी बच्चा ऐप पर तो प्लीज़ उनको देखना ना भूलें उनको डाउनलोड करना ना भूलें चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कह रहा है बी की सास कौन है चले बताइए आप बताइए सास कौन है यहाँ सासू माँ कौन है बी की बताइए भाई बी की सासू माँ की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है सासू मां की समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया भाई देखो यह सिंपल था बस ये वाले कंफ्यूजन में मत रहना यहाँ दादा दादी के अलावा या नाना नानी भी होगा नाना नानी भी होगा अब वो दादा दादी हो या नाना नानी हो दोनों होगा ठीक है अब एक बार फिर से समझ लो जिसे नहीं आया है ना कौशिक साहब पीहू साहब देखो कह रहा है पी की माँ आर की बहन है पी की माँ यार पूरा बनाना पड़ेगा यार ऐसे ही समझ लो पूरा नहीं बना रहा मैं ठीक है पी की माँ क्या हो रही है आर की बहन हो रही है बाकी लोग इसका आंसर दो क्योंकि क्वेश्चन सेम है है ना तीन क्वेश्चन आए थे इससे पी की माँ आर की बहन है जो क्यू की बेटी है तो आर जो है वो कौन हो गई वो क्यू की बेटी हो गई कह रहे हैं आर के ब्रदर इन लॉ आर का ब्रदर इन लॉ कौन होगा जो ए का पति होगा वो आर का ब्रदर इन लॉ होगा जे ए का एक बेटा है एक ही बेटा है तो एक बेटा ये हो गया जिसके दादा दादी या नाना नानी क्यू और एस है तो भाई दादा दादी और नाना नानी मुझे जेंडर नहीं पता तो ये क्यू और एस हो गए जिनकी केवल दो बेटियां हैं ये दोनों बेटियां हो गई एक का ए का पति बी का दमाद है ए का ए पती, पती, बी ए का पति बी ए का पति बी क्यू का दमाद है तो ये बन गया भाई क्या हो गया ये बन गया है ना अब पूछा क्या गया है पूछा क्या गया है कह रहा बी की सास कौन है तो सास कौन है बी की बताओ ना यार, ना यार आंसर तुमसे सास बताई जा रही बी की है भाई बी की सास ना निकल रही तुमसे अरे खुद की सास निकल जाएगी बी की ना निकलेगी बट दिक्कत तो यही हुई है ना तो भाई बी की जो सास है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते ना हमें क्यू का जेंडर पता और ना ही हमें एस का जेंडर पता और जब जेंडर ना पता तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं भाई चलिए अगर एक क्वेश्चन शायद और इसी के बेस पे है तो उसको भी हाथों हाथी कर लीजिएगा यार टेन है ना टेन ये देखिए ये टेंथ क्वेश्चन है ना ये भी इसी के बेस पे है तो इसको भी हाथों हाथी करके जाइएगा तभी इससे छुट्टी लीजिएगा क्वेश्चन से देखिए भाई टेंथ भी हाथों क्या क्यू और एस के कितने पौत्र या पौत्री हैं तो वही क्यू और एस के कितने पौत्र या पौत्री हैं तो एक ही है बच्चा पौत्र मतलब ग्रैंड चाइल्ड तो एक ही है हाउ मेनी ग्रैंड चाइल्ड जस्ट क्यू एंड एस हैज ठीक है ठीक है चलिए सही है क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग्यारह प्रश्न नंबर ग्यारह क्या हो रहा है भाई ये आया ग्यारह अब ये देखिए भाई अब ये आ गया आपका एक सेटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन और इसका उत्तर आप लोग जल्दी से करिए सेटिंग बनाइए मुझे क्लॉक बता दीजिएगा ए रख करके ए रख करके क्लॉक बता दीजिएगा चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से क्या बात है बहुत बढ़िया अरे नेक्स्ट लगा दिया है यार कैसे आफत ही नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कहाँ गए सारे के सारे हो गए लग रहा है।, है ना तो मुझे नींद आने लगी यार तुम लोग नहीं हो तो अरे जब तुम लोग नहीं होते हो ना और अपना जब क्या कहते हैं एनर्जी डाउन लगती है जब तुम नहीं होते हो और जब तुम तो होते हो ना तो एक एनर्जी का लेवल ऐसा होता है कि मजा आ जाता है यार तो न्यू क्लासेस क्या कमेंट न्यू क्लासेस न्यू क्लासेस चल रहे हो अभी आठ बजे की क्लास तीन दिन पहले तो शुरू करी है अबे रोज नई क्लास शुरू होती है क्या चलिए बहुत बढ़िया लगता नहीं है किसी से बनी है ना आज तुम लोगों ने एक चीज़ ये दिखा दी कि तुम्हारे बस का बचा नहीं है ठीक है अब आए आंसर एक दो के वो भी ठीक है अब पता चल रहा है अब दो चार स्टूडेंट आए हैं है ना अरे मैं तुम्हें यहाँ तीस नंबर का एक साथ करा रहा हूँ तुमसे चैन न पड़ रहा तुम इधर उधर ही भागोगे ठीक है अब देखिए कह रहा है ए एम डी पी आर टी बी एच एक केंद्र के सामने एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं एक व्रत के एक सर्किल के चारों ओर बैठे हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एम एस थर्ड टू राइट लेफ्ट ऑफ ए एम जो है वो ए के बाएं से तीसरे स्थान में पहला दूसरा तीसरा सबका फेस अंदर है बताया गया है अंदर की ओर ठीक है सबका फेस अंदर है बताया गया है, अंदर की ओर ठीक है तो एम ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है जो टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो हमेशा दूसरे पर्सन के लिए यूज़ होता है तो टी जो है ए के लिए यूज़ कर रहा है ठीक है ए के लिए फिर क्या कह रहा है डी एच के दाएँ और दूसरा है अब यहाँ पर डी एच तो है नहीं जो टी के दाई ओर से दूसरा है तो जो हमेशा दूसरे के लिए तो एच जो है टी के दाएँ ओर से दूसरा है और डी जो है वो एच के दाई ओर से दूसरा है तो डी यहाँ आ गया फिर लिखा है आर बी के ओर से दूसरा है जो टी का तत्काल पड़ोसी नहीं है तो बी यहाँ नहीं आ सकता तो बी के लिए यही जगह बची आर यहाँ आएगा और जो बचा वो कौन था ए एम डी पी आर टी तो पी बचा तो पी आ जाएगा आपका यहाँ पी आ जाएगा आपका यहाँ ठीक है पी आ जाएगा आपका यहाँ पर तो पज़ल यहाँ पर पूरी बनती है यहाँ पर पजल पूरी बनती है ठीक है अब इसके क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या क्या इसके प्रश्न आते हैं चलिए करिए आंसर एक दो और शायद इसका तीसरा प्रश्न है ये नहीं ये अलग है भाई इसमें दो ही प्रश्न है देखिए चलिए करिए इसके दो ही प्रश्न हैं दोनों का उत्तर करिए जल्दी से फटाफट फड़ से ठीक है देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी टी के दाई और तीसरा एम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हु इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी बी के दाई और दूसरा कौन है तो पहला दूसरा एम तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी तो भैया यार ठीक हो गए यहाँ पर दोनों ही सही हो गए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तेरह प्रश्न नंबर तेरह जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है आपका वो किसका क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का तो इस क्वेश्चन को आंसर देखिए इसमें हिंदी हिंदी की डिमांड मत करेगा तो इसमें हिंदी की नीड नहीं होती है मैं बोर्ड भर देता उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना तो बोर्ड ना भर के मैंने सोचा इसको नॉर्मली तरीके से करा देता हूँ इसमें हिंदी की इतनी कोशिश ज़रूरत ही नहीं होती है कोई ठीक है इसमें हिंदी की कोई ऐसी नीड नहीं होती है तो कर दीजिए आंसर भाई बिल्कुल बिल्कुल चलिए देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को देख करके सभी लोग आंसर करेंगे अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ये लिखा है सो वे मू मीन्स मैं इसको लिख देता हूँ यार जिसको नहीं आता वो लिख करके करेगा पहली लाइन में क्या लिखा है लिखा है सो वे एस ओ वी ई एम यू है ना ये तीनों शब्द लिखे हैं ना सो वे इसका मतलब क्या है मुकेश लव सोसर, मुकेश लव सोसर, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है मुकेश को प्यार है सोसर से ठीक है गेम है ये सो फिर कह रहा है सी की सी रे को मुँह की सी रे कु मु। इसका मतलब है सोसर इज पॉपुलर इन ब्राजील इन ब्राजील फिर लिखा है सी मु पाना बहुत ज्यादा लंबा हो गया भाई तो, तो देखिए इसका मतलब है की ला सी पा ने। इसका मतलब है नेमर नेमर इज आ बाकी मैं यहीं पर रह देता हूं इसी का यूज कर लेता हूं तो ये लाइन इसके अंदर ही आ रही है ये लाइन क्या आ रही है ये लाइन इसके अंदर ही आ रही है पूछ रहा है आपसे आगे में दे रहा है कि बू ना ले रे बू बी यू फिर दिया है बी यू बी यू एल ए एल यू आर ई पी ए इसका मतलब है नेमर नेमर बिलोंग टू ब्राजील ये इसी में ले लिया है वॉट वॉज द कोड फॉर नेमर लव सॉसर तो नेमर का कोड चाहिए लव का कोड चाहिए सॉसर का चाहिए ठीक है अब देखिए भाई अब कहाँ कहाँ से कोड मिलेंगे कहाँ से कोड मिलेंगे अब यह देखना होगा ठीक है चलिए मुकेश तो एक ही जगह है भाई लव दो जगह है क्या लव भी एक ही जगह है तो मुकेश और लव में तो कंफ्यूजन होगा भाई ये आंसर आ रहा है आंसर आ रहा है क्या ठीक है आंसर आ रहा है सी देखते हैं भाई नेवर, नेमर लव सर नेमर देखिए यहां पर भी है और नेमर यहाँ पर भी है और इज़ अ पॉपुलर सॉसर प्लेयर सॉसर तीन जगह अच्छा। है अच्छा ठीक है काम हो जाएगा ठीक है तो नेमर यहाँ भी है और नेमर यहाँ भी है अब यहाँ पर दो लाइनों में अगर आप देखोगे तो कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो एक तो पी ए है और एक आपका जो है वो है एक आपका जो है वो है दोनों में कॉमन पॉइंट्स एक तो पी ए है और तो कोई कॉमन पॉइंट्स हैं तीन में है ना दो में ही तो है भाई नेमर में इसमें कोई गलती है फिर क्योंकि अगर आप ये देखो दोनों देखोगे ना तो इसमें एक ही कॉमन पॉइंट्स है एक ही क्या है इसमें कॉमन पॉइंट्स है पी ए और अरे सॉकर बोल लूंगा सॉकर एक ही बात तो है उसमें क्यों परेशान हो हो रहे मैं यहाँ पर यह परेशान हो रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे नेमर का कोड नहीं मिल रहा क्योंकि नेमर इन दो लाइनों में आ रहा है और इन दोनों लाइनों में कौन कॉमन है अच्छा सॉरी मतलब ये दोनों लाइन मतलब इस वाली की बात कर रहा है इस लाइन में और इन दोनों लाइनों में कौन कॉमन है पी ए कॉमन है ठीक है तो उसके अलावा और तो कोई कॉमन ही नहीं है तो नेमर का कोड क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ सही तो निकल रहा है ठीक है सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी नेमर का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा ठीक है मैंने थोड़ा सा ध्यान कहीं और चला गया लगता है है ना बिल्कुल ठीक चलिए कोई बात नहीं है नेमर का जो कोड है वो पी ए हो जाएगा क्यों क्योंकि इन दो लाइनों में ही तो आ रहा है नेमर अरे ये आ रहा है ना नेमर यहाँ भी आ रहा है नेमर यहाँ भी आ रहा है पी ए यहाँ भी आ रहा है पी ए यहाँ भी आ रहा है बंद हो गया है ना बंद तो गया ठीक है फिर उसके बाद कर रहा है सोसर की सॉकर कह लीजिए सॉसर कह लीजिए सॉकर कह लीजिए चलिए तो सॉकर आ रहा है आपका तीन जगह पर एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर ठीक है ये लाइन में इसी में काउंट कर रहा हूँ ये जो लिखी हुई है ऑलरेडी तो सॉकर तीन बार आ रहा है तो यहाँ पर तीन बार ऐसा शब्द जो तीनों जगह आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर तीसरा तीनों जगह शब्द आता हुआ जो मिलेगा आपको वो मिलेगा एस आई एस आई और एस आई तो यार या तो ये भी एस आई होगा या एस ओ होगा इसमें ना कुछ समझ नहीं आया कुछ भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में दोबारा करें चलो छोड़ो कुछ नहीं समझ आ रहा ना तो एक काम करते हैं सब मिटाता हूँ मैं यार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कराता हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से टेंशन मत लो है ना फिर से करा देता हूँ तो फिक्र मत करो करो तुम टेंशन मत लिया करो जब समझ नहीं आया करे तुम जानते हो मेरी आदत को इस बात में है ना तो यही था ना क्वेश्चन तो यही था ना क्वेश्चन चलो एक काम करते हैं इसमें ना मुझे एक मिस प्रिंट सी लग रही है बस और वो मिस प्रिंट नहीं है तो देखते हैं और अगर वो मिस प्रिंट हुएगी तो उसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे चलिए कोशिश करते हैं एक बार है ना देखें बेसिकली बात क्या है बात हमें चाहिए कोड्स हमें कोड ही तो चाहिए होते हैं चलिए लिखते हैं हम है ना हम लिखते हैं शुरुआत करते हैं अपनी जैसे लिखा है सो so वी है ना एस ओ वी ई एम यू तो मैंने क्या किया एस ओ कॉमा लगाया ई -E, कॉमा लगाया एम यू सर दिख रहा है ना एक बार देख लेना ठीक है चलिए एक बार फिर से कर देता हूं मैं, है ना? एक बार फिर से करा देता हूं तो टेंशन मत लो आप लोग यहाँ पर क्या आ रहा है इसका जो मतलब है वो क्या है इसका मतलब है मुकेश लव सोसर अब मुझे लिखना तो यहीं तक है तो मैं मुकेश को थोड़ा सा आगे लिखता हूं ताकि मेरा काम हो सके मुकेश लव सोकर ठीक है सोकर अब ठीक है सोकर भाई इंग्लिश सुधार दी तुमने मेरी फिर कह रहा है के आई के आई एस आई ठीक है आर ई के यू और एम यू इसको कैसे लिखा जाए इसको लिखा जाए सोकर एस ओ डबल सी ई आर इज पॉपुलर इज पॉपुलर इज पॉपुलर इन ब्राजील इन ब्राजील तो तीसरी लाइन में क्या लिखा है ये पढ़िए तो तीसरी लाइन में लिखा है के आई क्लियर क्लियर लिखिएगा एल ए एस आई यू पी ई -e. और इसका मतलब क्या है इसका मतलब है नेमर नेमर इज आ नेमर इज आ पॉपुलर इज आ पॉपुलर सॉकर प्लेयर ठीक है ये लिखा है इसका मतलब इसका मतलब ये लिखा है है ना और उसके बाद उसके बाद क्या लिखा है उसके बाद देखिए ठीक है उसके बाद क्या लिखा है बी ए भाई साहब कल बताने की जरूरत नहीं है अभी करेंगे इसको बी ए एल यू आर ई पी ए इसका मतलब क्या लिखा है नेमर एन ए वाई एम ए आर नेमर बिलोंग्स टू ब्राजील बिलोंग्स टू ब्राज़ील है ना कोई भी चीज़ को छोड़ के जाना ना आपकी आदत होनी चाहिए और अपनी तो है ही नहीं ठीक है क्योंकि अगर आदत खराब हो गई तो होती है दिक्कत यहाँ तक हमने इसके कोड लिखे सबसे पहले हमने क्या करे इसके कोड लिखे सही है सबसे पहले हमने क्या करे इसके कोड लिखे देखिए जब हमने इसके कोड लिखे तो हमने क्या पाया हमें चाहिए था नेमर का कोड सबसे पहले तो हमने नेमर देखा तो नेमर यहाँ भी था नेमर यहाँ भी था नेमर केवल इन दो जगह पे था और कोई व्यक्ति नहीं है जो इन दो जगह पर हो तो मुझे इन दो जगह पर कोड मिला पी ए तो मैंने कहा नेमर का जो कोड हो जाएगा वो तो पी ए हो जाएगा फिर मुझे कोड चाहिए था सॉकर का है ना सॉकर का कोड चाहिए चीज़ था सॉक्सर सॉकर यहाँ लिखा था सॉकर यहाँ लिखा था सॉकर यहाँ लिखा था पहली दूसरी तथा तीसरी लाइन में जब तो मैं गया पहली दूसरी तथा तीसरी लाइन में तो मुझे कोड कॉमन मिला एम यू एम यू और एम यू तो जो सॉकर का कोड हुआ जो सॉकर का कोड हुआ वो कोड मिला मुझे एम यू ठीक है अब बचता है लव तो लव बचता है अब मुकेश यहाँ पर नहीं है है ना अब यहां पर मुकेश भी नहीं है और लव भी नहीं है तो अब मैं ऐसा कोई नाम न ना इन दोनों का कोड नहीं बता सकता देखिए ध्यान से इसीलिए मैं कह रहा था आपसे है ना अब देखिए यहां पर लव बच रहा है लव दो सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है ये आ रहा है लव कहीं और आ रहा है क्या नहीं आ रहा है लेकिन पी ए एम यू से मैं ये कह सकता था पी ए एम यू मेरा यहाँ पर भी आ रहा है पी ए एम यू पी ए एम यू यहाँ भी आ रहा है तो अब या तो ये होगा या ये होगा है ना तो आर ई -E तो ऊपर आ नहीं रहा तो वो तो कोड होगा नहीं है ना वो तो कोड होगा नहीं इसी वजह से देखिए मुकेश और लव ये दोनों का कोड हम नहीं निकाल सकते इन दोनों का कोड हम नहीं निकाल सकते इसीलिए इसमें एक ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा है आपको मैं सही करा के जाऊं है ना मैं कहता हूं हमेशा कि भले क्वेश्चन कम हो पर सही होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए ठीक है तो गलत नहीं होने चाहिए अगला क्वेश्चन है है ना इसका आंसर आप लोग कर दीजिए डायरेक्टली ठीक है इसमें तो कुछ है ही नहीं ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ठीक है अब ये कुछ भी नहीं है ये कह रहा है इसका संबंध इससे है तो आपको बताना है स्मॉलेस का संबंध किससे होगा चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर चलिए करिए ठीक है तो देखो ऐसा होता है यार तुम लोगों को लगता है कि सर मैं टाइम लगा दिया टाइम वेस्ट कर दिया बच्चे टाइम वेस्ट नहीं किया अगर मैं आपको कराके कनाए बिना चला जाऊंगा ना मैं आपको यहां से कराए बिना आगे बढ़ जाऊंगा ना तो शायद वो आपको दिमाग खराब कर देगा वो शायद आपको ये लगेगा कि टीचर तो बेकार है ये वो क्वेश्चन छुड़वा दे रहा है जो हो नहीं रहा है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है जब आप मेरे पास बैठे हो तो ठीक है अब इसमें देखें इसमें कौन आंसर करेगा अब इसमें सब लोग गलत आंसर कर रहे हैं ये बात कर रहा है अंडमान एंड निकोबार की यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य तो अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है तो आपको बताना है सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा होगा तो याद रखिएगा सबसे छोटा जो केंद्र शासित राज्य है वो आपका लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है वो आपका लक्षद्वीप है ना कि दादर एंड नगर हवेली वो क्या है वो आपका लक्षद्वीप है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर करिए जल्दी से ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर करिए जल्दी से फटाफट से ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है देखिए तो इस प्रश्न में क्या क्या बोला गया कह रहा है एक आदमी ने एक महिला को बताया कि वह मेरे यानी कि वो आदमी की बात कर रहा है वह मेरे नाना नाना कब बनेंगे जब एक पापा आएंगे पापा की मम्मी मतलब पापा की वाइफ यानी कि इनकी पत्नी वह मेरे नाना, नाना। यानी कि इनके पिता वह मेरे नाना के इकलौते बेटे यानी कि नाना का इकलौता बेटा ये हो गया कि पत्नी है कि क्या है पत्नी है तो इस महिला की ओर इशारा कर रहा था इस महिला की ओर क्या कर रहा था वो इशारा कर रहा था है ना पूछा क्या गया है पूछा है, महिला और पुरुष के एकमात्र अंकल तो उसका एकमात्र अंकल तो यही हुआ है ना एकमात्र अंकल क्यों हुआ ये मामा हुआ ना इसका एकमात्र अंकल हुआ के बीच क्या संबंध है तो पति पत्नी का ऑप्शन नंबर बी पति पत्नी का संबंध है जी पति पत्नी का संबंध है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है बिल्कुल तो जिन्होंने सॉल्व किया उन्होंने तो आंसर निकाल दिया जिन्होंने नहीं किया उन्होंने ए लगा दिया बहुत जल्दी में तुक्का बस खत्म करो बात ठीक है खत्म करो आंसर देना है सही हो गलत हो इससे मतलब थोड़ी ना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ठीक है तो मित्र अगर आपने प्लीज़ क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपने परिवार एग्जाम्पल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सेवनटीन नहीं लगा रहा क्योंकि सेवेंटीन भी आपका बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे एक पी जो अब आपको मिलने वाली होगी उसमें लगवा देंगे ठीक है अब इसका आंसर करिए दो चार चौबीस पाँच सात एक सौ चौहत्तर और छः तीन क्वेश्चन मार्क इसका बताइए क्या आंसर होगा है ना इसका बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से फटाफट फड़ से देखिए तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और क्वेश्चन अच्छे लेवल के लग रहे हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा जो भी एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हो आज एग्जामपुर से जुड़े हो तो प्लीज़ एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए वो आपको एप्लीकेशन पर मिलती है तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं ठीक है ठीके? आपके कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं यू पी एस आई यू पी टेट एन टी पी सी खास करके जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं है ना तो वो सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं ठीक है ठीके? अब ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए देखते हैं कौन सा ये आंसर करता है कुछ भी आंसर कर रहा है कोई भी कोई दो कर रहा है कोई पैंतीस कर रहा है खेती समझ रखिए कतई घर की देखिए अगर मुझे 24 तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दो का क्यूब मतलब आठ और चार का स्क्वायर यानी कि सोलह आठ और सोलह चौबीस इसकी बात करूं तो पांच का स्क्वायर मैं कर रहा हूं क्यूब यानी कि एक सौ पच्चीस और सात का कर रहा हूं स्क्वायर यानी कि उनचास तो आंसर क्या हो जाएगा नौ पाँच चार नौ कैरी एक चार दो छः एक सात और एक एक सौ चौहत्तर छः का क्यूब यानी कि दो सौ सोलह और तीन का स्क्वायर यानी कि नौ तो बच्चे 225 होगा छत्तीस कहाँ से हो गया 225 आंसर हो गया ठीक है 225 आपका आंसर हो गया ठीक है चलिए तो दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लगा देता हूँ है ना इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर कीजिएगा भाई दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क लगा दिए हैं क्योंकि टाइम हो चुका है है ना लेकिन आप लोग इसके आंसर्स होमवर्क में ज़रूर कीजिएगा दोनों क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में कीजिएगा ठीक है इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर क्या कीजिएगा होमवर्क में ज़रूर कीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा अगली क्लास मेरी ही होगी नेक्स्ट क्लास फिर से मेरी है है ना अगली क्लास फिर से मेरी है आठ बजे कितने बजे आठ बजे मतलब दस मिनट बाद और उसमें मैं टॉपिक करा रहा हूँ स्लॉक्स उसमें जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ सिलोजिज्म है ना साथ ही साथ सलॉजिज्म में आज मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा मैं सिर्फ कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो आए थे उन क्वेश्चंस को आज मैं आपको कराने वाला हूं ठीक है तो वो सभी क्वेश्चंस देखने के लिए आप सब लोग आठ बजे वाली क्लास में जरूर लीजिएगा तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं आप सभी लोग अपना ख्याल रखेगा टेक केयर बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जांपल